आदाब, मैं हूं अनवर खान, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। दरअसल पुराने रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खराब पड़ी टोटिया, पानी की टंकी जो कि शोपीस बने हुए हैं, आने जाने वाली यात्रीगण, चालक अपने पीने का पानी बाहर से बोतल भरकर लेकर आते हैं। यहां की जन सुविधाओं का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चालक अपने पीने का पानी बोतलों में भरकर लेकर आते हैं, उसको बस में रखते हैं तो आम यात्रियों का क्या हाल होता होगा। गंभीर विषयों के बारे में हमने यात्रियों चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब क्या करें, नौकरी करनी है, मजबूरी है, अपने बस में पानी को भरकर लेकर आते हैं, तब कहीं जाकर अपनी प्यास बुझाती है। यहां यात्रीगण 10 रुपए की बोतल 20 रुपए में खरीदते हैं, तब जाकर कहीं प्यास बुझ पाती है। गंदा है पर धंधा है। इस खबर की कवरेज के लिए विशाल नारायण शर्मा के साथ कैमरामैन राशिद अलीगढ़ से। नमस्कार, एन भारत में आपका स्वागत है और हम आपको जानकारी दे दें कि ये शहर का रोडवेज बस स्टैंड परिसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टंकियाँ जो हैं ये सूखी पड़ी हुई हैं, इनमें पानी नहीं है और इस भीषण गर्मी में, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें इन टंकियों का ख़राब रहना, बाहर से तमाम सुदूर यात्रीगण यहाँ आते हैं और यहाँ भीषण गर्मी में हमारे बीच एक यात्रीगण भी मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे, भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में ये टंकियाँ बंद हैं, इनमें पानी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, क्या कहना चाहेंगे, पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, परेशान यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, और पानी किसी टंकी में आ नहीं रहा है, ये रोडवेज की लापरवाही है। नहीं, पानी बिक तो रहा है। हाँ, पानी बिक रहा है, बिकने को तो बच ही रहा है पैसे से, पर टंकी में नहीं आ रहा, टंकियों में नहीं आ रहा। देखिए, जैसा कि यात्री गणों ने बताया कि पानी बिक तो रहा है पर ये टंकियाँ अभी तक, आप देख सकते हैं कि जो यात्री है वो अपने टिकट का पैसा जमा करते हैं, उनमें जो सुविधाएं दी जाती हैं वो भी उसी के अंतर्गत दी जाती हैं, और ये आप देखिए कितना भीषण गर्मी में और किस तरीके का आलम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रोडवेज बस स्टैंड परिसर है और इस परिसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ का हाल, तो यहाँ पर टोटियाँ सूखी पड़ी हुई हैं। अभी हम और भी लोगों से इस विषय पर जानकारी करेंगे। सर, आपका नाम? इंद्रपाल सिंह। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जी, लोग मरे जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में बस स्टैंड परिसर, जहाँ पर बाहर से भी यात्री आता है, तमाम गरीब आदमी भी आता है, अभी अमीर तो नहीं होते, अगर उसकी जेब में 10 या 20 रुपए न हुए तो प्यासा ही मरेगा, प्यासा मरेगा, वो पानी कहाँ से पिएगा जब है ही नहीं पानी। तो यार टोटियाँ पर ही है, कोई सुनवाई नहीं है इनकी, ये खराब ही रहती है, हमेशा ही खराब ही रहती है, ये कभी सही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मैंने तो आज ये चालू देखी नहीं अभी तक, पहले थी कभी चालू लेकिन बीच में फिर खराब हुई, उससे सही नहीं। कितने समय से आप ऐसे देख रहे हैं? करीब 5-6 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, चालू नहीं है। 5-6 महीने से ये टोटियाँ ऐसी सूखी पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है, जबकि सुविधाओं का पैसा टिकटों में से कटता है, वो सब हम लोगों से ही कटता है, कहाँ से कटेगा? सुविधा के नाम पर क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा, खाली फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और कुछ नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना, बिल्कुल देना चाहिए।